अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। यह हमने क्रैप फैब्रिक लिया और हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक 6.5 मीटर लिया है। अस्तर हमने 5 मीटर लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर कट करेंगे 6 इंच पर, आर्म होल 7 इंच पर मार्क करेंगे, बस्ट हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। टोटल लेंथ हम 15 लेंगे। अपर पार्ट कट कर रहे हैं हम 1 इंच पर आर्म होल का मार्क करेंगे, गोलाई देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजर्स की लिखे हुए, आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम स्लीव्स कट करेंगे 3 इंच पर, नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से हम 2.5 पर मार्क करेंगे, यहाँ बालून स्लीव्स निकालेंगे थोड़ी सी। यहाँ से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। टोटल लेंथ हमारी 22 है स्लीव्स की। 6 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 22 पर मार्क करेंगे, 2 इंच प्लस करके सिलाई का। अब इसे मिला देंगे। और अब इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और टोटल हमारी लेंथ 53 है। वेस्ट हमने 15 पर ली है। ये हमारा 8 फोल्ड कपड़ा है, 4 फोल्ड नहीं, इसे हमने 8 फोल्ड किया हुआ है। और यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे, जितना भी कपड़ा बचा है उसके ऊपर रख के एज इट इज उसे काट लेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही अस्तर कट कर लेंगे। अस्तर में हम 2 इंच माइनस कर देंगे जितनी भी हमारी टोटल लेंथ थी उससे। यहाँ पर हमने 51 लिया है। इसमें भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर देंगे। अब इसे भी कपड़े के ऊपर रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे ताकि सिलाई में चला जाएगा बाकी का। एज इट इज कट कर लेंगे। अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, ये हमने नेक कट कर लिया था कैनवास के ऊपर। इसके लिए हमने पेपर कैनवास यूज़ किया है। यह हमारा नीचे का घेर है, इसे हमने जॉइंट कर लेना है जो हमने पीसेस कट किए थे। सारे पे हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है तो इसके लिए हम बड़ा थोड़ा सा काटा रख के प्लेट्स डाल लेंगे और धागा खींच के धागा खींचते हुए सारे पे प्लेट्स बना लेंगे। इसमें हमने
बड़ा बखिया रखना है। सारे पे हमने प्लेट्स बना लिया, अब इसे अस्तर के साथ जॉइन कर देंगे। अस्तर को हमने बीच से जॉइन कर दिया है, नीचे से भी हमने इसे जॉइन कर दिया है। अब हम इसको अस्तर के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमने अपर पार्ट्स कंप्लीट कर लेना है। इसे अस्तर के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। सेकेंड पार्ट भी हम ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने पेपर कैनवास पे अस्तर कट किया था उसे जॉइंट कर देंगे, नेक डोरी लगा देंगे। डोरी पर हम हाथ से तुरपाई करेंगे, यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। शोल्डर जॉइन कर लेंगे अब हम इसके। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने शॉर्टकट में ही बताया है आपको। आप नेक अपने हिसाब से कट कर सकते हो। ये हमने शोल्डर जॉइन कर देने हैं। दोनों शोल्डर हमने जॉइन कर दिए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स पे हम सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे बीच में से, ताकि हमारा थोड़ा सा फुग्गा बने ऊपर से। सारे पे हमने स्टिच कर देनी है, नीचे भी हमने ओढ़ देना है और स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पर हम छोटे छोटे प्लेट्स दे देंगे सेंटर में, 1 या 2 इंच के मार्क डिस्टेंस पर। ऐसे ही हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर लेने हैं। अब हमने बैक साइड पर टक्स लगाने हैं 4 इंच पर, और ऊपर से भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से भी 4 इंच लगाएंगे। यहाँ से भी हमने 4 इंच पर मार्क कर देना है। हाफ हाफ इंच पर टक्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट लेंगे 17 और नीचे हमने 26 लेना है। अब हमने इसका सेंटर से मिलाकर, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेना है सबको और फिर सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट मिला देना है फ्रॉक का और उसका बॉटम पार्ट का।
ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसे जॉइन कर देना है दूसरी साइड से भी। नीचे से भी अस्तर को हमने नीचे से फोल्ड कर देना है। नीचे से सारा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है सारे पे। और हमने इस पर हमने कैन पट्टी लगाई है फ्रॉक के ऊपर, ये वाली, ये 1 इंच की है। आप भी को भी कर सकते हो, मैंने इसमें कैन पट्टी लगाई है। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। और ये हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक है। नीचे से भी हमने इसे आउट लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।